सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं MIUI 12.5 के एनहांस एडिशन के बारे में। मैंने आपको पिछली बार यहाँ पे शायद एक वीडियो में बताया था कि मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन आने देते हैं, फिर मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू दूंगा। तो आज मैं वो कंप्लीट रिव्यू आपको दे रहा हूँ MIUI 12.5 एनहांस एडिशन का। क्या कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है, कब तक ये इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, एंड क्या कुछ नए फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यार सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ MIUI 12.5 के बारे में, क्या कुछ आपको इसमें नए ऑप्टिमाइजेशंस और फीचर्स देखने को मिलते हैं, फिर इंडिया की बात करेंगे यहाँ पे हम वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ इसकी ऑफिशियल चाइनीज़ वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है home.miui.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके खुद ही एक्सप्लोर कर लेना। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इंटरफेस, काफ़ी यहाँ पे इन्होंने यार ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे की हुई है, और यह काफ़ी हद तक आपको इसमें जो मैकेनिज्म है काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया है इनके हिसाब से। यार अगर मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप खुद ही देख लेना। पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से डिवाइसेस का सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो MIUI 12.5 का आपको देखने को मिलता है। 13 अगस्त को यहाँ पे इसका हुआ था लॉन्च, तो हो चुका। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट बैच, यानी कि जो फर्स्ट बैच के डिवाइसेस हैं इनके लिए 13 अगस्त से यार अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है, जिसमें है यार Xiaomi Mi Mix 4 जो कि इंडिया में है नहीं, Mi 11 Pro इंडिया में नहीं है, Mi 10 Extreme Commemorative Edition नहीं है, Xiaomi 10S नहीं है, Redmi K40 Pro जिसे इंडिया में Mi 11X Pro के नाम से जाना जाता है वो आपको देखने को मिलता है, K30S Extreme Commemorative Edition नहीं देखने को मिलता, Mi 11 Ultra आपको इंडिया में देखने को मिलता है, Mi 11, Mi 10 Pro देखने को नहीं मिलते, इंडिया में आपको Mi 10 देखने को मिलता है, और यहाँ पे Redmi K40 जिसे इंडिया में Mi 11X के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट बैच के डिवाइसेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कि इसमें आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे इनके हिसाब से जो शेड्यूल है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे 10 जो है चेंज भी हो जाता है, तो आप उसके मत देखना। एंड बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया हुआ है, तो आप जाके यहाँ पे देख लेना। अब बात करते हैं यार इसमें आपको क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको एक वीडियो बना के ऑलरेडी बता दिया था, बट यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लीक्स निकल के आई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसमें आपको ऑब्वियसली मैंने वीडियो बनाया था विजेट सपोर्ट, जिसमें मैंने यार मी हेल्थ ऐप वॉल्ट और यहाँ पे जो मी की सेटिंग्स ऐप थी उसका मैंने बनाया था, और भी काफ़ी सारी ऐप्स के लिए विजेट सपोर्ट आ गया है, तो मैं इसका पार्ट टू जल्द ही ले आऊँगा। आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है न्यू विजेट सपोर्ट, ऐप वॉल्ट की डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है विजेट्स, एंड ऊपर में आप प्लस में टैप करोगे तो ऑनलाइन सेक्शन से काफ़ी सारे यहाँ पे विजेट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आपको यहाँ पे इस तरह से न्यू मीडिया कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसे आप यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी के लिए तो यही सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, और भी काफ़ी सारी ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं यार ये इंडिया में कब आएगा। तो इंडिया में यार अब MIUI 12.5 जैसे यहाँ पे ग्लोबली गया था, तो उसी में दोस्तों यहाँ पे कोई भी इंडिया में लॉन्च इवेंट नहीं हुआ था। जो Note 10 Pro सीरीज़ आई थी यार उसी में उन्होंने लॉन्च इवेंट कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास था नहीं 12.5 में। तो ऐसा ही हो सकता है 12.5 एनहांस्ड एडिशन का जो इंडिया लॉन्च है वो शायद ही यार इनके स्मार्टर लिविंग 2022 वाला जो इवेंट आ रहा है उसमें भी हो सकता है, बट अभी के लिए यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है। तो इंडिया में तो यार विद इन 2-3 मंथ्स ही आपको यहाँ पे लॉन्च देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे जो फर्स्ट बैच के डिवाइसेज हैं उनके लिए अपडेट यहाँ पे पुश कर दिया जाएगा। तो इतना ही था यार आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। Over the edge, feel like I'm floating through the air.